उपमहापौर और हेरिटेज निगम पार्षद मनीष पारिक ने स्वायत्त शासन सचिव डॉक्टर जोगाराम से गंदी गालियों की सफाई करने की मांग की है। वहीं मनीष पारिक ने कहा कि पिछले 2 साल में 5,000 से ज्यादा गंदी नालियों की सफाई नहीं हुई है और नालियां भी जाम पड़ी है। प्रॉपर्टी कनेक्शन वाली नालियों की मरम्मत और रखरखाव नहीं होने से आमजन को मकानों में सीलन और बदबू की समस्या भुगतनी पड़ रही है। ऐसी दिशा में कीचड़ व बदबू से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है और नगर निगम नाली सफाई के टेंडर तक नहीं कर पा रहा है। पारिक ने कहा कि महापौर बैठक भी नहीं बुला पा रही है और ना ही कमेटियों का गठन हुआ है। हेरिटेज निगम की 5,000 से ज़्यादा गंदी गलियों की सफाई 2 साल से नहीं हुई है, कोई ठेका भी नहीं करा सकी है और हालात ये है कि ना तो बैठक होती है, ना कमेटियाँ बनी हुई है और ना ही वहाँ इस तरह का कोई काम हो रहा है जिससे जनता को राहत मिले। छोटे छोटे पैच वर्क भी नहीं हो रहे हैं और उसके कारण जनता परेशान है। जो प्रॉपर्टी कनेक्शन की गंदी गलियाँ हैं उसके भी कोई सफाई नहीं हुई है, तो सीलन आ रही है मकान।